नमस्कार मित्रों, दुर्गा अष्टमी और रामनवमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय मित्रों, इस वर्ष संयोग से दुर्गा अष्टमी और रामनवमी एक ही दिन है। इसके अलावा जो लोग नवरात्रि व्रत रख रहे हैं उनके लिए यह संदेश है कि शास्त्रीय नियमों के अनुसार कल 14 अप्रैल को नवमी सुबह 9:30 बजे तक रहेगी लगभग। उस समय जो है व्रत पूर्ण करके पारणा करें। इसके अलावा इस वर्ष नवरात्रि के अवसर पर जिन माता बहनों ने संतान की प्राप्ति हेतु या संतान के सुख के लिए जो माँ भगवती की गोद भराई की है, वह वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। 51,000 से अधिक लोगों ने उसको देखा और उस वीडियो को सब्सक्राइब भी किया। इसके बाद में उसमें कमेंट्स भी आए। उन कमेंट्स में कई माता बहनों ने अपने अनुभव शेयर किए। उन्होंने बताया कि यह प्रयोग उन्होंने किया है और उसमें उन्हें सफलता प्राप्त हुई है। इसलिए जिनको सफलता प्राप्त हो चुकी है उनके लिए माँ भगवती की ओर से हम पुनः हार्दिक बधाई देते हैं। और 250 से अधिक हमारी बहनों ने हमें डेट ऑफ बर्थ भेजी है, जन्म स्थान भेजा है और उन्हें संतान सुख की अभी तक उपलब्धि नहीं हुई है, तो इस संबंध में कुंडली देखने के लिए निवेदन किया है। लेकिन चूंकि कुंडलियों की संख्या बहुत अधिक है, इसलिए हमने कई माता बहनों को एक सप्ताह का समय दिया है कि हम एक सप्ताह के बाद में उन कुंडलियों का निराकरण कर देंगे। तब भी अधिक समय लग सकता है क्योंकि 250 से अधिक कुंडलियों का विश्लेषण करना है। और इसके अलावा अभी भी लगातार कमेंट्स बॉक्स में हमारी बहनों के डेट ऑफ बर्थ आ रहे हैं। उन्होंने भी बोला है कि हम उनकी कुंडली देखें। इसलिए ऐसी माता बहनें जो हमारी कुंडली देखने का इंतज़ार कर रही हैं, थोड़ा धैर्य बनाए रखें। थोड़ा समय अवश्य लगेगा लेकिन हम सभी कुंडलियों को देख करके और उनका निराकरण करने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा जहाँ कुंडली में समझ में नहीं आएगा वहाँ पर हम उन माता बहनों से निवेदन करेंगे कि अपने हाथ के स्क्रीनशॉट लेकर के या फोटो लेकर के हमारे व्हाट्सएप नंबर भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर 9685901030 है। इसलिए माता बहनों से निवेदन है कि कृपया धैर्य बना करके और इंतजार अवश्य करें। थोड़ा समय लगेगा। एक बार पुनः आपके लिए जय माता रानी की बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो हमारा चैनल पसंद किया इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। नमस्कार।